नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर ओझा। फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपका भाई हमेशा ही भोजपुरी को जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं। तो चलो आज की रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, सुबह सुबह फेसबुक देख रहा था, अचानक से एक पोस्ट सामने आई जिसमें कि काजल राघवानी जी और पवन सिंह जी ने छठ का एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट किया है। जी हाँ, जो 20 तारीख को शो आने वाली है, पवन सिंह जी हैं, खेसारी लाल जी हैं और काजल राघवानी जी हैं, तीनों एक्टर जो हैं एक साथ आएंगे हमारे टीवी सिनेमा पर। और बहुत ही बढ़िया एक छोटा सा क्लिप तैयार किया गया है जो कि आप सभी को बताऊं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर किया गया है। और पवन सिंह जी अपने मधुर आवाज़ में गाना गा रहे हैं और काजल राघवानी जी ट्रेडिशनल ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये अच्छा लगा मुझे देख कर कि बिहार से उठकर हमारा भोजपुरी मुंबई, मुंबई से उठकर हमारा भोजपुरी लंदन में, और इस बार छठ पूजा लंदन में होगा। हम लोग अपने चहेदे सुपरस्टार खेसारी लाल, पवन सिंह जी, काजल राघवानी जी को एक साथ देखेंगे। बहुत बड़ी बात है ना भाई कि एक बार छठ पूजा हो रहा है, वो भी लंदन में, और हमारे दो दिग्गज सुपरस्टार, जी हाँ, एक खेसारी लाल यादव, एक पवन सिंह, एक साथ आने वाले हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी भाई टीवी पर देखेगा, जब भी आप लोग ये शो को टीवी पर देखिएगा, कैमरे में कैद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भोजपुरी का एक ऐसा सुनहरा पल होने वाला है। शायद पहले कभी ऐसा हुआ भी होगा तो इस तरीके से नहीं हुआ होगा, और शायद बाद में अगर ऐसा नहीं भी होता है तो जो भी भोजपुरी को मिलाने वाले हैं, भोजपुरी को एक साथ देखने वाले हैं, उनके लिए, उनके मेमोरीज में ये पल कैद हो जाएगा। तो कैमरा में कैद जरूर कर लेना, एक जब आप वीडियो देखना तो मोबाइल में कैमरा में कैद कर लेना। और हमेशा ही हम लोग इसे एकता की मिसाल देंगे। जब भी लड़ाई होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जब भी कुछ विवाद आएगी, तब हम यही वीडियो को प्रमोट करेंगे, यही वीडियो को बोलेंगे कि देखिए हम पवन सिंह जी, खेसारी लाल जी एक भाई है। तो मेरे बात से, मेरे पॉइंट से अग्री हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि पवन सिंह, खेसारी लाल जी को ऐसा लेवल पे पहुंचा देना है कि बॉलीवुड वाले भी हिल जाए, थर थर कांपे भाई बिहार और यूपी के नाम सुनकर। एक सुशांत सिंह मरा था ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देना है। अब उनको वैल्यू बताना है कि भोजपुरी क्या है, बिहार का लौंडा क्या होता है और यूपी का लौंडा क्या होता है। बोलो, अगर अग्री हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और भाई रिपोर्ट मिस मत करना, क्योंकि बहुत सोच समझ के एकता की मिसाल वाली रिपोर्ट बनाता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं एक नए वीडियो में।